एंड फाइन हो। सो अभी आपने मेरी एनिवर्सरी की जो केक कटिंग वीडियो देखी होगी, तो अभी छोटा सा सेलिब्रेशन करा है मैंने मायके में मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मैं इंडिया आ चुकी हूँ और अभी मैं मायके में हूँ, ऋषिकेश में हूँ। तो छोटा सा स्वीट सा हमने सेलिब्रेशन कराया है और मैं आज आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, मेरी शादी 14 जनवरी 2017 को हुई थी और आज 14 जनवरी 2020 है। 3 साल हमारी शादी को कंप्लीट हो चुके हैं और ये 3 साल, वैसे तो शादी के पता नहीं चलता सालों का कि कब हो जाए। और तो हमारी लव मैरिज है, रिलेशनशिप को 3 साल हो गए थे। तो आफ्टर 3 ईयर्स मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी थी, तो घर वालों ने शादी की बात कर रहे थे, तो मैंने मम्मी को एक दिन बताया। मम्मी ने बोला कि, मम्मी पापा ने बोला कि हमें भी बात कराओ लड़के से थोड़ा, तो मैंने बात बूत कराई, बात बूत करने में अच्छे लगे हो। तो जब तब मेरे हस्बैंड आई थिंक आउट ऑफ इंडिया चले गए थे लुसाका जाम्बिया, तो जब वो इंगेजमेंट के लिए आए, तो 2 साल हमारी इंगेजमेंट के बाद 2 साल बाद हमारी शादी हो गई। तो बस 2 साल के बाद ही शादी हो गई थी। ऐसा लव मैरिज में ऐसा कुछ नहीं था कि घर पे कोई इशू था या कुछ था, सब ने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया था। तो यही थी मेरी लव स्टोरी, मेरी शादी के दिन मैंने सुनाई आपको अपनी लव स्टोरी। सिंपल सी है, स्वीट सी है, ऐसा कोई था नहीं कि कोई अगेंस्ट था इस शादी के या कुछ था, हैप्पीली मैरिड हो गई थी। तो अभी 3 साल हो गए शादी के, तो पता नहीं चला। और जब मायके में आते हैं तो ऐसा लगता है कि इस दिन होता ही है शादी के, जब एनिवर्सरी आती है तो हम थोड़ा सा मेमोरेबल पास्ट में थोड़ा याद करते कि हाँ आज के दिन ऐसा था, आज के दिन ऐसा था। अच्छा, कुकू भी आ चुका है यहाँ पे, कुकू भी आपसे बात करेगा। बात करो कुकू, बात करो, बात बोलो, मम्मा मम्मा, और कुछ बोलो। ये देखो, ये मस्ती करने में लगा हुआ। और आज मेरी एक एल्डर सिस्टर थी आ रही थी, वो उसके बच्चों के स्कूल है आए, तो आज गई है, आज वो चले गए अपने घर। हम उसको भी बहुत मिस कर रहे हैं। कुकू बोलो मौसी, बोलो मौसी, मौसी बोलो, मौसी, आई आई मिस मच यू, मौसी आई मिस यू, मिस यू, Michael, meet you, Magu, love you, love you, Bhaiya, Bhaiya, I, Mish, Mish, you. अरे वाह 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 वाह, भैया में कितना तेज है वो, वाह है भैया, भैया बोले, भैया भैया बड़ा मिस तो कर रहे हैं हस्बैंड को, अभी 1 साल होके आए हैं वहाँ से, तो मिस तो करते ही हैं, क्योंकि आज के दिन तो अच्छा लगता है कि साथ में सेलिब्रेट करें। बट कोई नहीं, हमने बहुत अच्छा लगा है, बर्थडे तीनों के बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में, तो कोई बात नहीं, लाइफ में होता रहता है उतार, एक जैसे पल थोड़ी होते हैं ना, तो मिस कर रहे हैं। एनीवे, आज मैं आपको अपनी मम्मी पापा से भी मिलाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे पापा और अभी इनका आइस का ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद का, तो ये बताएंगे कि मतलब शादी, बेटियों की विदाई, शादी में कैसा फील होता है हमारे, क्योंकि हम 3 बहनें रही हैं, तो पहली की शादी हुई है, दूसरी की हुई है, तीसरी की हुई है, तो बेटियों का घर था। और अब यहाँ 2 भाई बचे हैं, अब इनकी वाइफ आएंगी, तो तभी बेटियों का सुख इन्हें फिर से नसीब होगा। बट सुख तो अभी भी है, बट ये है कि बेटियाँ अब दूर दूर हो जाती हैं। तो बताएंगे पापा, इनका अभी एक्चुअली ऑपरेशन हुआ था, इन्होंने ये गॉगल्स पहने हैं, ये वाले इनको डॉक्टर ने सजेस्ट करे हैं कुछ 1 महीने तक। बहुत बड़ा अच्छा धन है, परिवार के लिए बहुत सुंदर है। जब विदाई होती है, बच्चों की शादियां जो होती हैं, पढ़ाई लिखाई करके हम अपने बच्चों को विदाई करते हैं, तो थोड़ा बुरा भी लगता है, भला अच्छा भी लगता है, और बच्चों को जो है दोनों तरफ शांति मिलती है। शादी ससुराल में भी शांति मिलती है, जब लड़कियां मायके में आते हैं तब भी उनको शांति मिलती है, अच्छा लगता है। बहु लड़कों से तो लड़कियां आजकल बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं, यही मैं कहूंगा कि और जहां भी रहे सब सुखी रहे, सुंदर रहे, परिवार को अपना अच्छा आगे बढ़ाए, बहुत सुंदर है ये। और हम और क्या बोलेंगे, ये हमारे नाती है, देखो छोटा सा नन्ना सा, देखो प्यारा बच्चा है, 3 लड़कियां हैं मेरी, तीनों के एक एक पोते हैं मेरे, ये देखो पोता है मेरा, ये बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी, आज मेरी बहन गई है, तो थोड़ा सा इमोशनल है क्योंकि खाली खाली सा लगता है घर पे,
तो आपसे हेलो देवरिया कन चा तुम ठीक ठाक चा और तीनों ने चन मेरी तीनों की शादी हुई गई तीनों का एक बच्चे चन नौने सुख तो बहुत अच्छा लग तू पर घर है लड़की चन भी शादी भी करनी चाहिए तो फ्रेंड्स बस अभी मम्मी कैमरा साई मतलब थोड़ा अभी कैमरे में फर्स्ट टाइम आ रही है तो बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही है सभी को होती है मुझे भी हुई थी जब मैंने कैमरा पकड़ा था पहली बार तो हर किसी को होती है ये प्यार कर रहा है मम्मा को कभी कभी इसे प्यार आ जाता है कभी कभी मानने लग जाता है जैसे ये देखिए ये तो इसको तो परफेक्ट हो गया कैमरे के आगे आना इसको तो पता चल गया कैमरा कैसे आते हैं कैमरा कैसे फेस कर सो फ्रेंड्स ये थे मेरे मम्मी पापा जिनको आपसे मिलाया है मैंने अपनी शादी की सालगिरह में क्योंकि इनसे पूछना चाह रही थी थोड़ा सा कैसा फील होता है विदाई में और क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट होती है लड़कियों की और बस यही है और इसके बाद मेरे दो भाई हैं मेरे पीछे दो भाई थे तो अभी ये कहीं जा रखे हैं बाहर जा रखे तो उनसे कभी और दिन मिलवाऊँगी मैं आपसे फिलहाल आज मैंने मम्मी पापा से मिलाया और सिस्टर से मैंने आपको मिला दिया था उस दिन जब हम मार्केट जा रहे थे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग बाय मम्मी बाय बोल दी बाय बाय पापा भी बाय बोल दी बाय बाय थैंक यू बाय आ जाओ मम्मा के पास मम्मा के पास बाय करो बाय करो इधर आओ बाय करो बाय बाय थैंक यू मुझे बोलो थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स कर दो फ्रेंड्स एवरीवन फ्रेंड्स थैंक यू